सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम खान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। बेटा सटी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली पिछले लेक्चर से बात रिलेट करती है, क्योंकि उसके हमने वहाँ हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जिसका नाम था इनकॉर्पोरेशन। वहाँ हमने दो स्टेप्स को डिस्कस किया था और जो फर्दर इसके अंदर देखे जाते हैं। पहला था हमारे पास जिसे हमने नाम दिया था कुछ दस्तावेज़ात का जमा करवाना, फिर उन दस्तावेज़ात की फ़ीस जमा करवाना, और आज उसी की एक थर्ड स्टेप को हम डिस्कस करेंगे जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सदाकतनामा की तश्कील का हसूल। ये इनकॉर्पोरेशन का हिस्सा है। फिर हम बेटा पाकिस्तान में जो ये तीन स्टेप के थ्रू बैंक कायम किया जाता है जिसमें प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और तीसरा हमारे पास था कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट, आगाज़ का सर्टिफिकेट कैसे लिया जाता है, बेटा इसे भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पिछला पोर्शन है वह सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सदाकत नामा तश्कील का हसूल। बेटा इसमें सबसे पहले जब रजिस्ट्रार या दरख्वास्त व दस्तावेज़ात उमा फ़ीस वसूल कर लेता है तो वो दरख्वास्त पर अपने आला अफसरान को भेज देता है वेरिफिकेशन करने के, जिसका मकसद ये होता है कि वो देखें क्या बैंक का क्या मुल्क के लिए मुफीद है कि नहीं, वेरिफिकेशन हो रही है। क्या प्रमोटर बैंक को चलाने की अहलियत भी रखते हैं कि नहीं, क्या उनमें काबिलियत है, कंपिटेंसी है, और क्या प्रमोटर के माली वसाइल इतने हैं, उनकी कारोबारी गुडविल कैसी है, साख कैसी है, मतलब इनकी प्रमोटर की, इस बैंक के कायम होने से बैंक बाकी बैंकों पर क्या असर पड़ेगा। ये वो स्टेप हैं जो रजिस्ट्रार अपने आला अफसर को का नाम है इंस्ट्रक्शन देके वो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं, अपनी तहकीक करते हैं और रिज़ल्ट लेके वापस आते हैं। जब अफसरान ज़्यादा लेने के बाद अपने चंद सिफारिशात के साथ रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं तो उन्हीं की रोशनी में फ़ैसला किया जाता है। अगर रजिस्ट्रार ये समझता है कि ये बैंक मुल्क के लिए मुफीद है या इजाज़त दे देता है, इससे इजाज़त नामा से ये ज़ाहिर होता है कि रजिस्ट्रार ने इसका अंदराज अपनी किताबों पर में कर लिया है और बनियान सदाकत नामा तश्कील वसूल करने के बाद अवाम में अपना प्रॉस्पेक्टर पेशनामा इशू कर देता है। बेटा ये सामने आपको ना आपकी स्क्रीन पे सदाकत नामा तश्कील का खाका नज़र आ रहा होगा, ये आपके लिए एक स्पेसिमन है, देख लें आप, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा एक डेट है सबसे ऊपर, फिर नीचे लिखा है आई हेयर बाय सर्टिफाइड डेट फलां फलां बैंक का नाम हो सकता है, इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत होगा एंड डेट बैंक इज़ लिमिटेड बैंक, ये सारी चीज़ें बेटा एक ऐसे स्पेसिमन आपसे डिस्कस की जा रही हैं। जी बेटा आइए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो कि थर्ड स्टेप है जिसके थ्रू बैंक कायम किया जाता है, जिसमें कारोबार शुरू करने का सर्टिफिकेट या आगाज़ का सर्टिफिकेट। तो इसमें बेटा हमने चार चीज़ों को देखना है। पहला पेशनामा की इशात, प्रॉस्पेक्टर को जब आप पब्लिकेशन करते हैं, नंबर दो पे कम अज़ कम सरमाया की मकदार आप फिक्स करते हैं, फिर हिस्सेस की अलाटमेंट की जाती है, फिर आगाज़ का सर्टिफिकेट। ठीक बेटा सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कारोबार शुरू करने के सर्टिफिकेट का। जब बैंक सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन वसूल कर लेते हैं कौन, आपके प्रमोटर्स, तो प्राइवेट बैंक अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो अवाब के होते हैं ना दूसरे जो आप पब्लिक बैंक के नाम से आगाज़ करेंगे उनके लिए कुछ ना फर्दर चार स्टेप्स हैं, उन्हें पूरा करना पड़ेगा फिर ही जाके उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब अगर आपने पब्लिक प्राइवेट बैंक का आगाज़ करना है तो दो स्टेप ही काफ़ी हैं आपके पास, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन, लेकिन अगर आप पब्लिक बैंक की तरफ जाएंगे तो आपके पास थर्ड स्टेप भी आपको फॉलो करना होगा, जिसमें पहली चीज़ होगी पेशनामे की इशात। आप अपने प्रॉस्पेक्टस को का नाम शाया करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा आप लिखते हैं तो आपके पास सरमाया हिस्सेस तमसकात या के ज़रिए इकट्ठा करने के लिए तमाम मामलात को आप शो करते हैं। ठीक है, जो भी पब्लिकली आप दिलचस्पी रखने वाले अफराद होते हैं वो मखसूस बैंकों में हिस्सेस के लिए दरख्वास्तें जमा करवा देते हैं, इन दरख्वास्त के साथ हिस्सेस की कीमत भी अदा की जाती है जिसे आप शेयर एप्लीकेशन का नाम देते हैं। नंबर टू पे बेटा कम अज़ कम सरमाए की मकदार, जब बैंक के प्रमोटर को हिस्सेस के लिए पेश की गई दरख्वास्तें वसूल हो जाती हैं तो वो इससे देखते हैं कि कारोबार शुरू करने के लिए कम अज़ कम सरमाए की जो मकदार मुकर्रर की गई थी उतनी दरख्वास्त वसूल हुई, जिसे हम रेयर एप्लीकेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर उन्होंने 10 शेयर इशू करने हैं, क्या 10 ही एप्लीकेशन शुरू वसूल हो गई। जब
तक तय करदा कम अज़ कम सरमाए की मकदार वसूल नहीं होगी उस वक्त तक बैंक बनियान कारोबार शुरू नहीं कर सकते। इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है। जब वो इस बात की तस्दीक करें कि अब कम अज़ कम सरमाए की मकदार वसूल हो गई है तो उसके बाद वो अगले मरले में चले जाएंगे। बेटा अगला मरला कौन सा होगा? हिस्से की अलाटमेंट। इस मरले में आइन के मुताबिक लोगों को हिस्से मुंतकिल कर दिए जाएंगे और लोगों को इसके बारे में आगाह कर दिया जाएगा। अगर बैंक दरख्वास्त ज़्यादा वसूल हुई तो वो कम अफराद को इसी से लात करते हुए बाकी बंदों को उनके पैसे वापस करेगा, जिसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन और रिफंड ऑफ मनी का नाम देते हैं। बेटा लास्ट में जो स्टेप होता है वो होगा पब्लिक कंपनी के लिए आगाज़ का सर्टिफिकेट। जब तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दस्तावेज़ात को देख के मुतमिन होगा तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जिसके बाद आप पब्लिक बैंक को का आगाज़ कर सकते हैं। और वो जो सर्टिफिकेट है बेटा, वो उसका आपको एक ओवरव्यू दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। उम्मीद है आप इसे स्टडी करेंगे और आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि ये सर्टिफिकेट इन स्टेप्स के फॉलो करने के बाद आपको हासिल होगा। बेटा आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। बेसिकली ये लेक्चर था कि आगाज़ का सर्टिफिकेट हम कैसे हासिल कर सकते हैं, किसके लिए हासिल करते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। बेटा लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी बात समझ में ना आई या आप फर्दर कोई नोट्स या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। नोट कर लें, हमारा ईमेल एड्रेस aman_nasim2@gmail.com। बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। अपना ढेर सारा बेटा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह आपका हामी नासर। खुदा हाफिज़।